जीवन में तुम्हारे कर्म क्षेत्र में ज्योतिष के अनुसार कभी नहीं सोचना कि तुम्हारे साथ जितने लोग आएंगे तुम्हारे मित्र ग्रह से आएंगे। मित्र ग्रह माने आपके राशि लग्न से केंद्र त्रिकोण। देखना जब तुम्हारा बुरा वक्त आता है तो तुम्हारे जीवन में 2, 3, 6, 8, 12 का लोग ही आते हैं। 2 का घर से अगर कोई आया मार्केस मारेगा तुमको, मरने का कारण बनाएगा। 3 का अगर आया तो तुम्हारे लिए चैलेंज रहेगा। 6 नंबर राशि लग्न का कोई आया तुम्हारा रोग रिपूरण का कारण बनेगा। 8 नंबर का कोई जीवन में आया तो तुम्हें चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा का कारण बन के आएगा। तुम्हारे राशि लग्न से 12 का कोई व्यक्ति आया तो तुम्हारे लिए जेल हॉस्पिटल और विदेश खर्चा ये सब कराएगा। कितने घर हो गए? 2, 3, 6, 8, 12 कितना हो गए? 5 घर। यानी तुम्हारे जीवन का हर 12 आदमी के अंदर से 5 व्यक्ति तुम्हारे लाइफ का कैसे वाले आएंगे? यही खतरा लोग आएंगे। इसलिए जब भी किसी से मिलते हो, माता रानी क्वेश्चन पूछ रही थी ना कैसे पता चले, उत्तर के समय इधर उधर भाग जाओगे फिर बाद में पूछोगे। तो आपका कोई भी नया व्यक्ति आता है पहले राशि पकड़ो फिर लग्न पकड़ो उसके बाद नक्षत्र पकड़ो। कोई आया तुरंत पूछो कि भाई नाम पूछा, ऐसे इनडायरेक्टली पूछना, इतना मजाक में पूछना कि उसको समझ में नहीं आए। उसको समझ में आ गया और कहीं वो भी एस्ट्रोलॉजर निकला थोड़ा बहुत तो तुमको नाप देगा वो। नाम राशि को भी पकड़ो और कुंडली का भी राशि लग्न को पकड़ो। तुम्हारे नाम राशि से कितना दूर में है? कहीं 2, 3, 6, 8, 12 का तो नहीं है? है। समझ जाओ कि जिंदगी में ये क्या करेगा? बुरा नहीं, बुरा नहीं करेगा। जो मैं 6 एस्पेक्ट में बात किया वो सारा करेगा। नहीं 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 आप अगर ये बोलते हो मेडिकल बुरा है, हो सकता है तुम्हें मेडिकल लेने के लिए आया हो। अभी सोचो, मेरा एक बेटी मेरा राशि लग्न से 6 और 12 में जन्म हुई है। अगर हम ये कहें, बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो यही कहेगा कि तुम्हारा बेटा या तुम्हारा बेटी जन्म इसलिए हुई है कि तुम्हारा 6 रोग रिपूर्ण ठोकेगा और लग्न से 12 है तो तुम्हारा लॉस करेगा। ये जनरल बात है, सही बात। फिर तो तुम आधा एस्ट्रोलॉजी जानते हो, पूरा नहीं जानते हो। पूरा क्या? अगर सही से स्टडी करोगे तो ये भी देखोगे कि वो 6, 8, 12 से बचाने के लिए भी आई है। लॉस तो करेगी लेकिन लॉस से बचाने के लिए भी आई है। तो वो अकाउंटेबल स्टडी कौन करेगा? तब देखना पड़ेगा कि उसका राशि लग्न कितना पीड़ित है, कितना मजबूत है। मेरा तुम अगर बोलोगे कि उससे मत मिलो तो खतरा है, मुझे खतरा दिख रहा है, फिर मत मिलो। घर में बंद करके कवाट, रोटी बना बना के खाओ। डोंट टेक चैलेंज।
डोंट टेक चैलेंज। लाइफ में अगर ऐसे डर डर के चलोगे फिर गुरुकुल आचार्य क्यों खोलना, गुरुकुल क्यों बनना? ठीक है ना, घर में बैठो बोलोगे सर एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ता में चलने से, मत चलो। फिर सर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, बढ़िया कल से घर में बैठो मत निकलो बाहर। ऐसे लोग जीवन में कुछ कर सकते हैं? तुम अपने लाइफ में याद रखना 6, 8, 12, 2, 3 को कभी भगा नहीं सकते। जब भी ये घर एक्टिवेट हो जाएंगे ना वहां से लोग आएंगे चैलेंज। ऐसे नहीं आते हैं, वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, दशा अंतरदशा चलने लगा, ऐसे लोग आके तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, उनका पेंडिंग कर्मा को बैलेंस करने के लिए। आज से 30 साल पहले पहला समय का साढ़े साथी उस समय भी मेरे पास वही 6, 8, 12 वाले आ गए थे। नाम ले रहा हूं और वो लोग भी अपना ड्यूटी पूरा करके गया। आज का 7.5 में भी विगत 5 साल से वही 6, 8, 12 वाले एक्टिव हैं। लोग क्वालिटी सेम, चेहरा देखोगे सेम, बॉडी लैंग्वेज देखोगे सेम, बातचीत देखोगे सेम, एक्टिविटीज देखोगे सेम, तो क्या करें, भगाने? अच्छा तुम उनके लिए ट्राई करो भगाने के लिए, प्रार्थना करके, टोना टोटका करके, मंत्र तंत्र करके भाग जाएंगे, नो डाउट भाग तो जाएंगे, लेकिन क्या खतरा होगा जानते हो? उससे ज्यादा पावरफुल वाला खतरनाक आदमी आ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। और इसको जो नहीं समझता है तो लाइफ में लोगों को भगाते फिरता है। आया है ना, लेट देम कम, लड़ते हैं आ जा। उसे नहीं पता, तुम्हें पता है, बिकॉज इसीलिए एस्ट्रोलॉजी, इसीलिए तुम्हें सिखा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी। क्यों सिखा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी बोलो आने वाला जो लड़ने के लिए, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। क्या संग्राम जिंदगी है, लड़ना पड़ेगा? हाँ, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सिखा रहा हूं। और जो लोग अपना कर्म छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं तो बच गया, बचा नहीं रे बाबू, तुम अगला पल के लिए अपना बंबू जो 6 इंच में पार हो जाता 8 इंच का कर दिया। इसीलिए जो आ रहा है जज करो, और वो तुम्हें बहकाए, फुसलाए, डराए, अफेक्टेड, इम्फेक्टेड, रिएक्टेड करे, उसे पूर्व तुम कर दो। वो तुम्हें यूटिलाइज करे, उससे पहले तुम यूटिलाइज कर दो। नहीं किया तो तुम्हें वो क्या करेगा, पॉकेट में भर देगा, एनकैश कर देगा। लाइफ का गेम बड़ा पेचीदा होता है, इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लग गया कि ये मेरा 12th house का है तो डिफेंस में आ जाओ। उसे बोलो हर झूठा इंफॉर्मेशन देते जाओ,
कब? जब पहचानोगे। टेक्निक दे रहा हूँ गुरुकुल वाले, आप पूछ रहे थे ना, आपका प्रश्न का उत्तर है। शिव बाबा का नाम लिया निकल रहा है। सच्चा इन्फॉर्मेशन मत दो, क्यों? क्योंकि जितना सारा झूठा इन्फॉर्मेशन दोगे, कल जब डिस्क्लोज करेगा और दूसरे को जाके बोलने लगेगा या तुम्हारा कोई कार्य हंतारम करेगा, तब लोग क्या बोलेंगे? उल्टा गेम उसी को लग जाएगा। वो ढूंढ के भी रहे ना, तो गेम ऑलरेडी आप चला चुके हो। उससे क्या समझ में आएगा कि मेरे के तो सही इन्फॉर्मेशन है, तुम सप्लाई क्या कर रहे हो? झूठा। ये सब चाणक्य विद्या के अंतर्गत है, बताऊंगा। चाणक्य नीति सूत्र का बहुत सारे श्लोक हैं जो इसमें आता है। गुरुकुल खोलो और इतना नहीं पता, फिर गुरुकुल क्यों चलाओगे? बिना ज्योतिषी का गुरुकुल नहीं चलता बाबू। और ऑलवेज सेव फ्रॉम 2, 3, 6, 8, 12 लाइफ का। अपना राशि लग्न को चेक करो, 2, 3, 6, 8, 12 एकदम मेंटेन करो। दशा अंतरदशा प्लानिटरी एक्टिवेशन गोचर फल, इतना में चैलेंज है, वो लोग तुम्हारे जीवन पे आके खड़े हो जाएंगे, सॉलिड रूप में खड़ा हो जाएंगे। और तुम्हारे पास अलर्टनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तुम्हें ही ठोक देंगे। तुम्हारा ही काम उसी से कराओ, इसी का नाम चाणक्य और इसी का नाम कूटनीति। नहीं, उसी विषय में आ रहा हूँ, डोंट वरी। आप इसमें बहुत पैनिक होने का आवश्यक नहीं है। मेरा ये सब्जेक्ट समझ जाओगे, आप लोगों को कल गुरुकुल में कोई दिक्कत नहीं होगा। संजय बनना दूर तक देखना, और जो दूर तक नहीं देखेगा एटलीस्ट गुरुकुल मत खोलो, होटल में जाके चाय बेचो, फेकू बनो। और जब भी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आ जाए, जितना बढ़िया झूठ बोल सकते हो बोलो। तुमको समझ में आ गया कि इन्फॉर्मेशन डाउट क्लिक करेगा, वो ढूंढे उससे पहले रख दो पेपर्स कि उसके हाथ में लगे, उसको क्या लगेगा? मैं पकड़ लिया, मेरे को मिल गया। तुम जान बच के फेक चीज रख दिए हो। लेकिन ये पूरा पॉलिसी उसको पता नहीं चलना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि हम महापंडित, हम बहुत ज्ञानी। उसे लगना चाहिए कि इसको तनिक भी डाउट नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे सारा कुछ कवर अप करेगा। हर जगह में देख लो जिंदगी में, जितने घर में बहू सास का झगड़ा होता है, परिवार में बहू का कवर अप होता है, हर बीबी, नॉट ओनली बीबी, हर दोस्त जिसे तुम अपना समझते हो, एक साल उसको लगता है तुम्हारा सारा डाटा को कलेक्शन करने के लिए। और डाटा कलेक्शन का कहीं से तुम्हें डाउट मिला, तुरंत कुंडली चेक करो, ये 12 का हो, पक्का 12 का हो। समझ में आ गया? तुम्हारा मेन डाटा फाइल को हटा के ऑल द डुप्लीकेट डाटा फाइल दो, बढ़िया बना बना के। क्लियर हो रहा है? क्या बोला, क्या देने के लिए बोला? मेन डाटा को सीक्रेट करो, और जितना ज्यादा फॉल्स डाटा दे सकते हो देते चलो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक बात है जो तुम अभी चिंता कर रहे हो, 6, 8, 12, 2, 3 आएंगे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, चाहे गोचर फल हो चाहे दशा अंतरदशा हो। और तुम हटाने का कोशिश करोगे हट जाएंगे,
लेकिन ये सूत्र याद रखना, अगर तुम 5 mg का मेडिसिन को हटाया तो 50 mg का मेडिसिन लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा। जो नेचुरल कंडीशन में जो एनिमी आया है ईश्वर भेजे हैं, क्यों? इससे फाइटिंग सीख जा, और तुम भगोड़ा बना और इससे नहीं सीखेंगे, बोला भगा देंगे तंत्र मंत्र जंतर करके, पूजा पाठ प्रार्थना करके, उससे इतना पावरफुल डालेंगे कि मार खा के फेंका जाओगे। उदाहरण, एक प्रचंड महाज्ञानी, जब मैं महाज्ञानी बोलूं तो समझ जाना, और मेरा मोबाइल में जब भी देखना किसी को महाज्ञानी परम ज्ञानी, वो देखते ही समझ जाना चाहिए कि वो, और अगर कहीं गधा लिख दिया तो भी समझ जाना कि गधा किसके लिए लिखा। हाँ, मेरा पर्सनल डायरी में भी देखना कहीं पर गधा लिखा है तो गभीर ज्ञान प्रचुर धी शक्ति, सावधान, और ज्ञानी परम ज्ञानी महाज्ञानी डोंट वरी यार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ये ऐसे ही एक परम ज्ञानी, उसको क्या लगता था उस समय कि अभी जो काम मिला है उसको अगर हम नहीं करें, छोड़ दें, माताजी आगे आ जाओ, आप ही का प्रश्न था उत्तर दे रहा हूँ और आप ही सो रहे हो, भाग्य में नहीं है इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, गुरुकुल चला रहे हो आप इतना बड़ा, और ये नहीं जानोगे तो कल पिट जाओगे। ईश्वर यहाँ हमेशा, एक बात याद रखना एस्ट्रोलॉजी में, एवरी इंसिडेंट इज ए वेदर आइदर वार्निंग और इंसिडेंट एक्सीडेंट। कहीं रास्ता में आप चोट खाए, गिर गए, ठोकर लगा, बीमारी हुआ, ऋण में पड़े, तो पहले एनालिसिस करो, ये वार्निंग था या एक्सीडेंट था। अगर वार्निंग लगा, अलॉट सेकंड वाला जनरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, हल्का नहीं होना, और जब भी शनि दशा अंतरदशा में गुजरो, 7.5 ढैया में गुजरो, हमेशा पहला फीलिंग क्या आएगा जानते हो? अब शायद सब ठीक हो गया, अब ठीक ठाक है। जिस पल तुम कॉन्फिडेंस ले लिया कि अब ठीक ठाक है, अगला पल खड़ाम करके एक प्रॉब्लम। इसलिए हल्का नहीं हो जाना। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बोला है शनि का ये करो, हर एक आदमी का अलग अलग रहता है, ऐसा नहीं कि सबका छायादान, सबका दियादान, सबका तेल का अभिषेक, सब कोई सुंदराकांड, सब कोई हनुमान पाठ, सब कोई काली पूजा, सब कोई उड़द का दान, सब कोई काला जूता काला छता काला चप्पल दान, ना 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 ना, ऐसा भी दान है करोगे फंस जाओगे। कुछ को बहुत सारे बच्चे यूट्यूब देख के, लोग यूट्यूब देख के बोलते हैं गरीब को खिलाओ, चंद्रमा चतुर्थ हो और खिला दो, सुबह तक ठोक जाओगे। इसलिए बहुत उम्दा एस्ट्रोलॉजर हो, सोच समझ के वाला हो, पैसा दो, पेमेंट दो, मुफ्त का मत दिखाओ। बोले सर आप अच्छा से देखिए, टाइम लीजिए, फ्लैश आइज में मत देखो, ऐसा देख लिया आप, हम लोग भी दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी, हम लोग भी पंडिताई दिखाता है, एकदम दिखाया तुरंत बोलने लग जाते, ऐसे तुरंत बोलोगे तो याद रखना रॉन्ग हो जाएगा। टाइम लो, माँ के पास बैठो, 9 ग्रहों को प्रार्थना करो, मुझे बताइए, फिर कुंडली को बार बार एवरी चार्ट के जाओ, D1, D9 से लेके दृष्कांड से लेके D20 तक घुसो, चर्पण करा के एकदम पूरा लाइपेज पोजीशन पे लेके आओ, उसके बाद आंसर दो, हड़बड़ी नहीं। क्योंकि हर दुर्योग तुम्हें पहला दृष्टि में जो दिखाई देता है, आगे चल के वो बहुत बड़ा राजयोग भी होता है, तो फिर तो कल तुम्हें गाली दे देगा ना, क्या बताया था बोल देगा। तो मैं अपना मूल केस पे चलता हूं, केस स्टडी, महापंडित महाज्ञानी का केस स्टडी। वो उसको लगा कि ये एक काम था, उसको लगा कि मैं अगर गुरुकुल छोड़ता हूं और खेती करने भागता हूं तो मैं सब कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के डेस्क कर लूंगा, और वो भाग गया, भाग तो गया
समस्या दुगना हो गया। श्रेय कर्म प्रेय कर्म कर्म योगा चले जाओ, तुम्हारे लिए कौन सा श्रेय है और कौन सा प्रेय है। राम को पूछा जाता है, डुप्लीकेट राम को, एक रास्ता में जाओगे 6 महीना लगेगा, एक रास्ता में जाओगे 6 दिन लगेगा। 6 महीना वाला रास्ता में खाना पीना फल सुंदरी सुरा सब मिल जाएगा, आराम से जाओगे, रास्ते में गाड़ी भी मिल जाएगा। और 6 दिन वाला रास्ता में कंटाकित पत्थर कचड़ा पहाड़ पर्वत बाघ शेर, किस रास्ते में जाएंगे राम जी? अरे महाराज, कल करो सो आज करो, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्या है भाई, जीना है परसों। 6 महीने में चलेंगे डुप्लीकेट वाला। स्वामी जी गुस्सा हो गया, गुरु जी बोले भाई दशरथ, हेलो दशरथ कहाँ है, क्या दिया भाई, डुप्लीकेट दे दिया। फिर दशरथ बोला ठीक है आइए सर ओरिजिनल दे देता हूँ। फिर गया ओरिजिनल पीस लेके आया, डुप्लीकेट छोड़ के। फिर कृष्ण वहीं पर, कहाँ चलेंगे? तो राम जी बोल रहे हैं कल करो सो अब कर, कल करो सो अब कर, अगला पल क्या होगा किसको नहीं पता। तो हाँ उनको समझ में आया ओरिजिनल राम है। तो ये हमारे महाज्ञानी को भी वही हालत हुआ। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक खाना बनाने वाली को आग लग गया, एकदम शनि का टाइम संध्या समय, मेरा अकाउंट में आ गया कि ये शनि बाबा इसको ठोकना चालू कर दिए। मैं बोला देख मना किया था नहीं माना, और अभी स्टाफ नहीं है, उसको लेके हॉस्पिटल में तुम्हें ही ड्यूटी देना है। चलो मान तो गया, मान के गया, 5-10 दिन ड्यूटी किया, उसके बाद बोल रहा है कर्म आया है कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो कौन क्या करेगा। नहीं करोगे, वहां वार्निंग देके आया, पैसा भी दिया खाने पीने का, वार्निंग देके आया, याद रखना विहितम वा अविहितम वा, विहित कर्म हो या अभिहित हो, जो सामने है उसे तुम अगर नहीं करोगे इसके पल उसका 10 गुना लोड का काम आ जाएगा, ये लॉ ऑफ नेचर है। और वही हुआ, वो उस पेशेंट को छोड़ के भागा। पेशेंट के पास कोई नहीं है, अकेले हगना बुतना बैठना कोई ताकत नहीं, दुख कष्ट में। तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम लाए हुए एक पेशेंट अगर लेटिन हो रहा है झाड़ा हो रहा है तो दवाई तुम्हें ध्यान देना है। तुम अपना कर्म नहीं किया, अगला पल उससे ज़्यादा दंड मिलेगा। ये घर भाग गया, घर जाके 2-3 दिन तो सुख भोग लिया कि चलो हम बच गए, जो संभालेगा आचार्य संजय संभालेगा, हमारा बंबू तो निकल गया। मैं जिसको और किसी को भेजना था भेजा, जितना हो सके जो किया। वो चला गया संबलपुर का एसी वाला 3 स्टार बढ़िया हॉस्पिटल में। ऐसा पेशेंट जो अपना था, वो अपना क्लोज रिलेटिव, भाई हो बंधु हो, कोई भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सीक्रेट है, 24 आवर उसका मशीन से खून निकले, ब्लड ही ब्लड, पिक ही पिक, पूजो ही पूजो, गंध माने मत बोलो। यहाँ 2 महीने का ड्यूटी था, कर्म छोड़ के भाग गया, 4 महीना किसी का खून थूक और गू फेंकना पड़ गया, और इतना फेंका कि अपने हाथ से खाने का भी घृण हो गया, साइकोलॉजिकली थ्रस्ट पोस्ट हो गया। कर्मदंड समझ रहे हो? ऐसे ही 6-8-12 बोल के अगर तुम भगा दोगे काम नहीं बनेगा। हैंडल इट विथ केयर, बड़े बड़े डब्बा होता है ना कांच का लिखे होते हैं, हैंडल विथ केयर, 6
6-8-12 को हैंडल विथ केयर, पकड़ लो मेरा, उदाहरण दे रहा हूं, मेरा है ऐसा नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल मेरा या चलो किसी का कोई भी राशि हो, उसी भी राशि को उठाओ, उसमें से अष्टम स्थान का राशि वाला कोई लाइफ में आ गया और वही आएगा जिंदगी में, वैसे ही कलर सेब कॉम्बिनेशन के आएंगे, दूसरा नहीं आएंगे, याद रखना। वो हाउस एक्टिव जब जब हुआ दशा अंतर दशा में, ऐसे ही लोग आएंगे। अगर तुम डरने लगे कि भाई हमें लगता है कि ये तुम्हारा अष्टम से है और तुम भगा दिए, वो खतरा अष्टम का आ जाए और उसको संभाल नहीं सकते। और याद रखना, जब तक ये अष्टम का है तब तक लॉ ऑफ नेचर दूसरा अष्टम को नहीं भेजेगा। अच्छा, जो अष्टम हाउस है ना, चंद्राष्टम जिसको बोलते हैं, तीन नक्षत्र है, वो तीन नक्षत्र में एक नक्षत्र तुम्हारा मित्र तारा का भी हो। चंद्राष्टम में पूरा 2.5 दिन तक आदमी दुख नहीं पाता है, वो तीन नक्षत्र में एक नक्षत्र जो तुम्हारा मित्र तारा में आता है, वो अष्टम में होने के बावजूद भी, सारे ऑब्स्टकल के बावजूद भी वो तुम्हें बचाता भी है कहीं ना कहीं से, द्वादश में नहीं बचाता है, द्वादश लॉस हाउस में लेगा ही। तो जब भी ऐसा कोई केस बनता है मार्केट में अष्टम का, और जो भी लाइफ में आया, आएंगे पक्का, क्या बोल रहा हूं, हैंडल देम सॉफ्टली, साइलेंसली, विथ फुल अंडरस्टैंडिंग, और भगाओ मत कर्म को, भगाओ मत कर्म को, करो, नहीं किया, याद रखना एक सूत्र देके जा रहा हूं, 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। और तुम लोग वहां का घर जो लोग बना दिया, ठीक, नहीं बनाया ना, यहां से जाओ, फिर लाइफ में कैसा काम आता है देख लेना। ये तुम्हारा टास्क है, तुम कवर नहीं किया उसको, तुम पेंडिंग कर्म को कर्म करके नहीं धोया, अगला पल तुम्हें इसका 10 गुना से लेके 50 गुना का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए बताया गया कर्मणो गहना गति। और जो समझ में आ गया जिसको कि नहीं, ये मेरा कर्म है और मुझे करना है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, मैं केवल बुरा देखूं नहीं हो सकता, पकड़ लो किसी का सिंह राशि लग्न अष्टम में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं लाइफ में देखा हूं, जीवन में जितने सारे सिंह राशि सिंह लग्न आए हैं, अगर अष्टम हो रहा है, अष्टम के मरण तुल्य पीड़ा से बचाते भी हैं, नॉट डेंजरियस। किसके लिए? मेरे लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। क्यों? मेरा अष्टमेश बैठाए जाके पंचम में, और लग्न कुंडली में अष्टमेश में अष्टम का लॉर्ड दशम में। तो अगर अष्टम का कोई आता है तो क्या करेगा, मेरा 10th हाउस के लिए आया है, मान सम्मान के लिए आया है, मान सम्मान ले नहीं सकता। इसलिए उसे नहीं डरना है, लेकिन अगर तुम्हारा अष्टमेश अष्टम पे तो भी नहीं डरना है, वो बुरा नहीं करेगा, लाख कोशिश कर ले। द्वादशाधिपति अष्टम में अगर कोई लॉस करने के लिए आया, ऐसा जिसका रहता है परम भाग्यवान राजयोग, अगर कोई 12 का आ गया और तुम्हारे साथ लॉस कर रहा है,
और तुम्हारा द्वादशाधिपति अष्टम में बैठा है, बिंदास रहो। जितना बंबू तुम्हें करेगा उतना उसी को लगना तुम फ्री, वो उतना ज्यादा गड्ढा में घुसेगा, अपना सारा जकड़ जाएगा। अगर तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए कोशिश करता है या करता या कर दिया, बिंदास आंख बंद करके सो, मुंह खोलने का जरूरत नहीं, खुद गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन सबको तो सबका तो ऐसा भाग्यवान नहीं है। और सोचो, रोग रिपु रण सिक्स्थ हाउस फुल पावर में है, बेफिक्र चलो, देख लो अष्टकभर में नंबर कितना है और षष्ठ स्थान पे कितने ग्रहों का दृष्टि है, ये देख लो। अगर षष्ठ स्थान पे कोई शुभ ग्रह बैठा, बृहस्पति, शुक्र, शुभ शुभ बुध, शुभ चंद्रमा, तो तुम फंसे। अगर वहां कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह का दृष्टि जा रहा है, पकड़ लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं मेरा कुंडली का बात, पकड़ लो मेरा कुंडली में छठा स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि डायरेक्ट जा रहा है, राहु का दृष्टि छठा में जा रहा है, छठा स्थान में मंगल बैठा है, मंगल यहां पर कारकत्व हराएगा शनि का दृष्टि से, यहां ठीक है, लेकिन अब मेरा कुंडली का चार चार प्लैनेट, चार ग्रह का काम क्या है? एक ही काम है, शत्रु आए तो मारो, बेचारे और कोई काम नहीं करते। कोई भी लाइफ में शत्रु आया, मरा, प्रैक्टिकल शत्रु होना चाहिए बस, इंटरनल प्रैक्टिकल, कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ का आवश्यकता नहीं है, वरिड मत हो। और इसीलिए मैं विश्वास नहीं करोगे, लाइव का पहला साढ़े साथी में भी हुआ था, सेकंड साढ़े साथी में भी हुआ था, चार चार बड़ा बड़ा तांत्रिक साधु सन्यासी ऐसे इंसिडेंटली मिलते हैं मेरे को, बोल रहे यार आ रहा है बुरा समय 72 दिन के आगे, बोला डोंट वरी, कोई एक उखाड़ भी नहीं सकता, और जो उखाड़ने का कोशिश करेगा उसी का उखड़ जाएगा, बी सेफ, डोंट वरी। बड़ा इंसिडेंट, नदी का पूरा बीचों बीच, वो जहां ब्रिज जाते हो ना उसका बीचों बीच, सुबह 7:30 याद है आज भी, मैं जब भी वहां जाता जाके नदी में सूर्य भगवान को दर्शन करता हूं और बीचों बीच प्रार्थना करता हूं, सूर्य शक्ति लेता हूं, और उलट के देखा सन्यासी खड़ा है दो, और मेरे को पुड़िया निकाले और ऐसा पकड़ रहे, बोला क्या हुआ महाराज? मेरा एक आदत है नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठा साधु हो सच्चा साधु हो, हाथ घुसाया जो निकला, तो सुबह सुबह दर्शन हो गए। मैं ऐसा हाथ किया दिए, मेरे को समझ में नहीं आया, बोला रखे रहना, बोला क्यों? आ रहा है टाइम और ऐसा ऐसा होगा। मैं जो कि उस समय बहुत अच्छा मूड में था, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख लिया, दे दिया वो लोग, मैं चला गया, मैं गाड़ी घुमाया, तुरंत पीछे पीछे घुमा के देखता हूं नहीं है, ब्रिज के ऊपर से कहां भाग जाएगा विद इन 3 to 4 मिनट। ऐसे बहुत सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे षष्ठ स्थान पे ऐसे क्रूर ग्रहों का दृष्टि है या क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो अपने जीवन पे छठा स्थान वाले कोई भी लाइफ का लोग आ जाए, डरो मत, बेफिक्र रहो, शूट आउट कर ही देंगे वो लोग, आज नहीं तो कल। और पहला वीडियो में क्या बताया, दूर का लोगों से मत डरो, पास का लोगों से डरो। मेरे को जिंदगी में पहला बार जिसने फर्स्ट गाली दिया था, पहला साढ़े साथी का बात कर रहा हूं, ऐसा रोग में मरा कि भेलोर तक पहुंच भी नहीं पाया, ट्रेन में ही खत्म हो गया, नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं किया, नथिंग, मैं चुप, पूल साइलेंस, और वो रोग का कोई मेडिसिन नहीं है, नाम लेना भी डर लगता है, दिया जल रहा है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए ना, भगवान माफ कराए, ऐसे मेरे लाइफ में बहुत से एक्सीडेंट इंसिडेंट हुए हैं। तो भाई क्यों ये कह रहा हूं जानते हो,
आपस में जो भिड़ जाते हो बिकॉज ऑफ पर्पस, ये बड़ा मूर्खता है आपस में भिड़ना। स्पेशली जो स्टाफ है उनको कह रहा हूँ, स्पेशली जो कोऑर्डिनेटर है उनको कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता किसका प्लैनेट का काम क्या है, कौन शत्रु हंता दुर्योग में जन्म हुआ है या राजयोग में जन्म हुआ है। तुम सिंपल एक वार्ड चला दो और 24 घंटा के अंदर झोल निकल जाएगा। एग्जाम्पल दिया हूं एक का, और अगर वो प्रैक्टिकली सोच ले कि ये मेरा शत्रु है तो उसके अंदर का जो प्लैनेटरी ऊर्जा एनर्जी है तुम्हें थ्रस्ट कर देंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग इतना जल्दी कहीं पर मुंह नहीं चलाते। मूर्ख लोग, कुत्ता लोग, भकुआ लोग, गधा लोग, ये ज्यादा झगड़ते हैं। बुद्धिमान क्या करता है? साइलेंस, फुल साइलेंस, नहीं लगेगा बात, नहीं करेगा कुछ, क्योंकि पता नहीं सामने वाले का प्लैनेटरी पोजिशन क्या है। और कभी कभार एक गाली बहुत भारी पड़ता है साहब, एक गाली बहुत भारी पड़ता है, एक गंदा वार्ड कभी कभार बहुत मजाक मजाक का भी वार्ड भारी पड़ जाता है, क्योंकि तुम अपने जीवन को सुखमता से नहीं देखते हो। आप सोचो एक बार, घर से निकला, एक ब्राह्मण को देखा, अकेले ब्राह्मण, बताया गया है हमारे उड़ीसा में काला ब्राह्मण हो गेट से निकल रहे हो, दानुआ ब्राह्मण हो, हाड़गिला ब्राह्मण हो, देखा क्या क्या, तुम तो सिंपल देख लिया ना, आगे चले जाओ, तुम्हें लगेगा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ यार। लेकिन नेवर बिलीव, जो ऑब्स्टकल्स आएगा उस ऑब्स्टकल्स में तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मैं बोल रहा हूं बोल के नहीं, ब्राह्मण भगवान है, पाद पूजनीय है, लेकिन कहा गया कि पादेरे मामुनो कुसेरे तेली। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे काल दोष नहीं देना कोई तेली होगा यहां, तो खाना भजन में लिखा गया, वो तो बोल रहा हूं, कोस पार और तेली देख लिया भाई सावधान। इसका मतलब नहीं कि वो अशुभ है, ऐसा नहीं कि तुम मर जाओगे, बिल्ली रास्ता काट दिया मर जाओगे ना। एक ऐसे ही एक बड़ा, मैं काल सर्प योग का बहुत प्रचंड दोस्त था, उसका निवारण करने का काम के लिए जा रहा था, रास्ता भर में राइट साइड से सांप निकल रहे थे, सॉरी लेफ्ट साइड से निकल रहे थे। तो मेरे साथ जो मेरा बॉस बैठा था बोला देख जा तो रहे हैं, एक साथ अगर राइट साइड से निकला वहीं से बैक करोगे और काल सर्प दोष निवारण रुद्र यज्ञ सर्पदान और रुद्राभिषेक कैंसिल बोल के समझ लो। नहीं सुना, भाग गया, 4.5 घंटा बेहोश पड़ा रहा, 4.5 घंटा होश आया ही नहीं। वो सीन जो देखा है वो देखा है, वो सारा गुप्त बात है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपको। क्या बोल रहा हूं, खना बदन में ये बताया गया कि कौआ अगर इस दिशा में शब्द कर रहा है तो क्या फल है। रास्ते पे तुम जा रहे हो, हर एक एलिमेंट नजर देते देते जाओ, हर एक एलिमेंट वस्तु विशेष व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहे हैं। तुम नहीं समझा, ओवर क्रॉस किया, आगे जाल के तुमको प्रॉब्लम में पड़ना होगा। ज्योतिष विद्या यही सिखाता है, अलर्ट, अवेयर, बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। समझ जाओ ये काम कहां तक होगा और कितना तक नहीं होगा। तो मैं बता दिया 6, 8, 12, 2, 3 एक और, उसका नक्षत्र जन्म नक्षत्र और तुम्हारा जन्म नक्षत्र।
अगर बाधक नक्षत्र में आ रहा है, प्रत्यारी में आ रहा है, जन्म संपद विपद में आ रहा है, ये तीन नक्षत्र का अगर कोई भी व्यक्ति है, सावधान हो जाओ। भगा नहीं सकते सर, भगा नहीं सकते। जान जाओगे ना, ज्योतिष में कहते हैं जान लिया तो आधा बच गया, जान लो खाली। जानने के बाद उसी हिसाब में डील करो। अगर तुम ये कहोगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे जीवन पे, ये भागे, भगा नहीं दोगे, उससे बड़ा कीड़ा और लेके आ जाओगे, बड़ा बंबू और लेके आ जाओगे। आपका आंसर क्लियर हुआ? एनी डाउट? सो ही गए, नहीं सुने होंगे शायद। योग निद्रा हो गया। ओके, एनी कुछ, एनी डाउट ऑन दिस सब्जेक्ट? या बोलो। मेरा कौन सा मैच कर रहा है? किसके साथ? आपके साथ। क्या बोला? मेरा कोई हानि नहीं कर सकता, ये लिख लो, इसलिए डोंट वरी। बस उल्टा डर है कि मेरे से किसी का हानि ना हो जाए। नहीं, तुम करके देख लो ना एक बार, झूठा है, फॉल्स में करके देखो, रिवर्स होता है कि नहीं। लोग बोलते हैं ना कि जिसका जीवन का कुंडली में 6, 8, 12 में अगर प्लैनेट बैठे हैं, उसका लाइफ डेंजर है, खराब है। मेरा तो 5 प्लैनेट 6-8 में ही बैठे, तो बुरा कहां हुआ बताओ? मेरे से अमीर, मेरे से बिंदास, मेरे से खुशकिस्मत, 1 लाख के दिखाओ, जितने लाइफ में देखा होगा। गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूं। देख बाप, प्लैनेट कितना बुरा, कितना खराब और कितना अच्छा, उसे मत देखो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर बनो कि हर बुरे वक्त में भी उस बुरे का फायदा उठा सको। तुम्हारे हाथ में, मेरा बेटी छींक भी दी, देखो मेरा बात का इतना सच्चाई है कि छींक दिया। बुरा है ना? लो, बुरा है ना? ठीक है, बुरा देगा, अच्छा क्या देगा उसको भी देखो। अब्राहम लिंकन का लेटर टू हिज मास्टर में क्या है? हर बुराई के अंदर एक अच्छाई छुपा हुआ है, और उस अच्छाई को देखो, सीखो, फायदा उठाओ। बाजार में आज तुम लोग, मैं उसे मिलाने वाला था, इतना बड़ा कागज कपड़ा दे के ना, मतलब जरी डाल के कपड़ा बेच रहा था, बहुत बड़ा ढुकलू मरवड़ी, नाम नहीं ले रहा हूँ, छद में मेरा दोस्त है, मित्र है, बचपन में एक साथ उसके साथ बहुत समय गुजारे, मेरे को जुआ खाना लेता था, कुकड़ा खिलाने लेता था, खिलाने नहीं, खेलने, कुकड़ा मुर्गा होता है बोले तो, राहु सेकंड लॉर्ड, ठीक है। मारवाड़ी में बामन पाप करेगा वो, और धर्मादा करेगा मेरे को, धूम खिलाता था। अच्छा, बचपन में खाने का प्रचंड आदत, उसका चमत्कार जानते हो? मेरे साथ उसका बाप का दुकान था, जीरपानी का सबसे बड़ा दुकान उस समय, उस बाप का नाम ले लो ना, कहीं भी जाओ कुछ मांगो मिल जाए, द ग्रेट मारवाड़ी एट द टाइम इन आवर फुल एरिया, करोड़ों का बिजनेस उस समय। उसका बेटा उसका गल्ला से 8 आना चुरा के आएगा, देखो किस्मत कैसा उसका, 8 आना, ओनली 50 पैसा, ऐसा उछालेगा, चल, ऐसा देखा बचपन में, वो उस समय 6 क्लास का लड़का, पैसा वालों का बच्चा बिगड़ते हैं, पैसा बचपन से पैसा दिखाए, ऐसा पहले उछाल देगा, मैं उसी से सिखा ये कॉइन फेंकना, लाइफ का डिसीजन, चल आज हो जाएगा, 50 पैसा लेके मुर्गा पड़ा चला जाएगा। मैं डरता रहता हूँ, बामन आदमी, मेरे को कोई देखेगा तो घर में खबर देगा तो बहुत चुकाई होगा, तो मैं बोलता हूँ यार मैं यहाँ हूँ, तू जा। बोला नहीं नहीं, तू नहीं रहेगा तो गेम नहीं होगा।
नहीं यार तुम नहीं जानते हो, मेरे घर में बहुत चुकाई पड़ता है, ये सब जगह में जाता नहीं, ये पाप स्थान है, कुर्ग मुर्गा मरेगा, मैं खाता नहीं जाता नहीं। बोला तेरे को अच्छा अच्छा खिलाएंगे, तू टेंशन मत ले, खाने का लोभ में पहुंच गया। उस आठ अनाज से शाम तक 500 रुपया बनाता है, चैलेंज के साथ बनाएगा, 50 पैसा से 500 लेके आएगा कब, और जब भी जाता है खेलने के लिए, आज तक मैं उस दिन तक नहीं देखा कभी हारना, कभी नहीं हारा। लेकिन जब सेकंड दौरा चालू हुआ, वो बैग भर के बाप से पैसा चुरा के जाएगा, आने का टाइम में आठन्ने भी नहीं रहता है, उसी से मिलाने वाला था आज तुम लोगों को दिखाने के लिए कि देख ये ऐसा सेठ था जो कार में से नीचे पैर कभी नहीं लगता था, आज बाजार में एक कपड़ा डाल, एक प्लास्टिक डाल के कपड़ा बेच रहा है, टोटल सामान अगर काउंट कर दो तो 5,000-10,000 का भी नहीं होगा, उसी से बीवी बच्चा चला रहा है, और मैं उसको प्रेडिक्शन दिया हूं, और मात्र 2.5 साल फिर कार में चढ़ेगा, पैर जमीन पे नहीं लगेगा। और मेरे को पूछा नेक्स्ट प्रेडिक्शन कब फिर आऊंगा कपड़ा बेचने, बोला ये प्रेडिक्शन अभी नहीं। और बचपन में उसको ये प्रेडिक्शन मैं दिया था, एक लगा उस समय मैं जस्ट सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी, मेरा बड़ा दादा दादा गुरु के साथ, बिफोर 30 ईयर बैक का बात कर रहा हूँ, जस्ट सीख रहा था। और उस समय भी मेरा यू नो मैं पामिस्ट किरो को 6 क्लास में ख़त्म कर दिया था, जब सही से हिंदी पढ़ने ही नहीं जानता था, पामिस्ट किरो इतना मोटा किताब था, खुद पढ़ने बढ़िया से नहीं जानता था, तो दूसरे को पढ़ाता था और सुनता था और अपने ही भाषा में नोट करता था, और उस समय हाथ देखने के लिए लोगों को घूमता था, और जिसको जो प्रेडिक्शन मार दिया, तो मेरा आखूब दादा बोल के एक बुढ़ा आज भी जिंदा है, सुनाई नहीं देता है, बोलता ये हमारे वंश का कोई पुरखा जन्म हुआ है, ये अपना बढ़ोती नहीं कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं सुनो, लाइफ कभी भी टर्न आउट ले सकता है, अप एंड डाउन, सकट योग, चंद्रमा से षष्टमे बृहस्पति, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, लाइफ लॉन्ग चलता है ये धंधा। क्या बोला, एक ऐसा बहू को देखा जो रानी हार बोलते हैं ना, यहां से इतना लंबा होता है, बेचोगे तो 5-10-20 लाख रुपया होगा, उसी को पहनने वाली, उसके बाद नीचे का 8 मड्रासी हार कमर में, मतलब इतना अमीर, दशा अंतरदशा चेंज हुआ, वो जाके हनुमान वाटिका मंदिर में एक ठो छोटा सा टेबल में दीप घी शनि बाबा का तेल सिंदूर चंदन बेच रही थी, और आधा मुंह उसका जल गया था, मैं नहीं पहचान पाया, जब पास गया तो भाई नमस्कार, क्यों नहीं पहचाना भाई, मैं मुतास्त्री, मैं उसका बीवी, तेरी कभी रानी होके पाटो पहन के घूम रही थी, आज फटा पहन के रोड किनारे दुकान देके बैठे हो, कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोल रहा हूं समझो, किस विषय पे बात कर रहा हूं, 6-8-12 को मत डरो, हर कंडीशन से फायदा उठाना सीखो, हर कंडीशन से फायदा उठाना सीखो, या तो तुम यूटिलाइज करो उस ग्रह को, या तो ग्रह तुम्हें यूटिलाइज कर देगा, इससे अच्छा कि तुम यूटिलाइज करना सीख जाओ। एक बहुत बड़ा बैंक का मैनेजर, दिल्ली का बड़ा बैंक, सबसे टॉप वाला देख लेना, वहां बैठने वाला मैनेजर, उसका बीबी भी आके बाहर बड़ी पापड़ बना रही है, इसलिए अपने को ये नहीं समझना कि आज हम सुखी हैं तो कल भी, लाइफ नॉट इन ए सिंगल ट्रैक, आज ऊंचा है तो कल, और नीचा है तो फिर ऊपर, और संजय का वाणी कह रहा हूं, बीते चल पल तो चल दिए, आगे वाला दूर, यह पल है सामने, कर प्रयोग
भरपूर बोलना चाहिए, तुम लोग बोलते नहीं। बीते क्षण, चलो गालो, बीते क्षण तो चल दिए, 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 आगे वाला दूर, आगे वाला दूर, यह पण यह पल है सामने, यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर, कर प्रयोग भरपूर। याद रखना, अभी का समय ही सबसे बेस्ट टाइम है, इसी का ही यूटिलाइज करो। आज तुम्हारे पास शरीर में शक्ति है, गा रहे हो, बजा रहे हो, नाच रहे हो, खेल रहे हो, खुश हो, कल नहीं हो पाएगा। आज तुम्हारे पास मौका है, एक शिविर के अंदर चाहते तो 1000 वीडियो बना दिया होता, कल सर ठोक भी लोगे ना तो एक वीडियो नहीं बन पाएगा। आज मौका मिला है, यहां बैठे बैठे 100 ब्लॉग लिख सकते थे, क्योंकि मैं हूं, मेरे औरा से भाग गए, कल फिर बिगड़ जाओगे। इसलिए है समय, कर प्रयोग भरपूर। और आगे चल गया तो बहुरी रोए पछताए तो होगा क्या। आज तुम सुख में हो, ध्यान देना, आज तुम सुख में हो, एनर्जी है, यहां तुम चाहो तो 100 प्रोजेक्ट कर सकते हो। कल जब दुख का पल आ जाएगा, सर ठोक लोगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और याद रखना, सबका बुरा वक्त आता है, लेकिन उस बुरा वक्त से फायदा उठाने वाले चंद लोग होते हैं। एक बात बता, आज पूरा शिविर के दौरान 126 गीत गा लिया आपके सामने, मेरा गीत संगीत यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, गीत संगीत डांस संजय जी 75 यूट्यूब चैनल। 5 साल से एक गीत गाने के लिए तरस रहा था, कोरोना हो गया, नो कैंप, सब कैंप बंद, कथा प्रवचन सब बंद, कहीं जाना बंद, बाबा से बाबू रूप भी आ गया, बाबा बिजनेस भी ठप हो गया, तो गाएगा बजाएंगे कहाँ, तो गीत गा रहे ना, बजा रहे ना, नाच रहे ना, यूट्यूब बना रहे ना, वीडियो बना रहे ना, ब्लॉग लिख रहे ना, कहाँ से हुआ। वो जो बुरा टाइम था उसको सद्विनियोग किया था। कोई भी गीत सुना अच्छा लगा, मेरे पास कई सारी डायरीज हैं, आप इसमें देखोगे बंगाली गाना, सादरी गाना, उड़िया गाना भर दिया। मैं कहीं पर सुरताल सारे गामा पादा निशा पिछा तोड़े चुटिया मिसा नहीं सीखा, लेकिन गा लेता हूं, क्यों, अभ्यासेंत कौंतेय, अभ्यास, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अपने जीवन पे जब भी तुम्हारे लाइफ में बुरा वक्त आ जाए सदुपयोग करो, और अच्छा समय है तो डबल सदुपयोग करो, ताकि यहां खड़ा हो जाएंगे हम, कल जब बुरा वक्त आएगा तो तुम्हारे पास हर प्रकार का सपोर्ट रहेगा। अदरवाइज वही कल रानी हार पहनने वाली वो औरत हनुमान वाटिका में शनि बाबा का तेल और मिट्टी का दिया बेच रही, बेच के घर पेट चला रही है। एक बड़ा सा बैंक मैनेजर का बीबी रोड किनारे बॉडी पापड़ बना रही है। जीवन का ऐसे आंख फाड़ के देख के सीखो कि बुरा दौर जब आता है तो कल का अमीर आज भिखारी बन के रास्ता का किनारे बैठ के कमाना पड़ता है। जो कल तक गर्भ घमंड में घूम रही थी, साड़ी में आग लग गया, हॉस्पिटल में पड़ी है, एक बूंदा पानी देने के लिए भी कोई नहीं है,
कारण क्या, कौन सा कारण है? आप हमेशा दशा अंतरदशा ग्रहों को दोष मत दो, वे ग्रह दशा अंतरदशा तुम्हारे कर्म के बारे में भी बोल रहे हैं। तुम्हें पूरा मौका मिलता है, एक बात याद रखना, एस्ट्रोलॉजी जीवन का निचोड़ बता रहा हूं, ग्रह ऐसा डायरेक्ट किसी को पनिश नहीं करते, पहले वार्निंग देते हैं, सेकेंड वार्निंग देते हैं, थर्ड वार्निंग देते हैं, नहीं सुना, तीनों वार्निंग को बॉयकॉट किया, उसके बाद यू आर इन द जोन ऑफ पनिशमेंट और